छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता महाविद्यालय के छात्र नेमेश अग्रवाल के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। प्रार्थी के बयान के बाद भी पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज नहीं किया। जानकारी के अनुसार 2 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे हाईस्कूल चौक के सामने छात्र नेमेश अग्रवाल के साथ डोंगरगढ़ के ही असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर मोबाइल व उससे नकदी छीन कर फरार हो गए। मारपीट के दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घायल प्रार्थी ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि लगभग 6 से 7 की संख्या में आरोपियों ने गलत साइड से गाड़ी चलाने को लेकर विवाद किया था और नशे में धुत सभी आरोपियों ने उनसे हाथापाई शुरू कर दी। सभी आरोपियों में से 4 की शिनाख्त हो पाई है, जिसमें मिंटी पाले खान, कलीम खान व लेखराम सोनी शामिल है। 4 में से 2 ही आरोपियों लेखराम सोनी व मिंटी चक्रवर्ती की आज गिरफ्तार तो किया, पर लूट की घटना अभी सिद्ध नहीं हुई है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। 2 मुख्य आरोपी अभी भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिससे अन्य आरोपियों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रार्थी नेमेश अग्रवाल ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया था कि आरोपियों के द्वारा उनके साथ मारपीट के साथ लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। उसके बावजूद विवेचक जयमाल के द्वारा एफआईआर में लूट की घटना दर्ज नहीं की गई, बल्कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को बचाने के लिए मोबाइल व अन्य सामान गिर गया दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। पत्रकार सुरक्षा कानून का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस ओर ध्यान आकर्षण कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद आज लगभग 2 वर्ष बीतने के बाद भी केवल नेताओं के भाषणों में ही पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की जाती है, लेकिन धरातल में कहीं भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार पत्रकारों पर हमले व उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की घटनाएं अनवरत जारी है। जब देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसका अर्थ तो यह है कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर रचा जा रहा है। डोंगरगढ़ के लिए प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़े की रिपोर्ट। मैं जा रहा था हाईस्कूल से, हाईस्कूल के पास 5-6 लोग दारू पिए हुए थे और मैं अपने साइड में था। उन लोग बोलते कहाँ चला रहा, अपने साइड में चला। और उसके बाद है ना, नहीं हम लोग चलते हैं। उसके बाद बोलते करके अपने से चला, मैं जा रहा था अपने घर। तो फिर बोले कर किधर आ, फिर मेरी चैन छीने, चांदी की यहाँ पर चैन मैंने था, अब 1500 रुपये छीन लिए। हमें पर मोबाइल था iPhone X 70,000 का मोबाइल, ऐसे तोड़ दिए और रख लिए। और क्या बोलते, उसके बाद वो गाड़ी वाड़ी लाए, ऐसे चलाए मेरे पर बाइक। अब 5-6 लोग आए और कोई कुछ नहीं कर रहा था। और उसके बोलते तुम लोग जिसको बुलाने बुला लो। नाम क्या है? निवेश अग्रवाल मेरा नाम है, मैं जस्टम चौक में रहता हूँ। पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे उसके स्टूडेंट है निवेश अग्रवाल, उस पर कल रात 11 बजे करीब हमला हुआ था, उस बारे में बताया। इस मामले में अभी प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य हमको मिलेगा उसके आधार से हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व जो गुंडागर्दी करते हैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।